बहुत अच्छी फिल्म थी, बहुत ही अच्छी थी क्योंकि उनका रणदीप सर का फर्स्ट डायरेक्शन था, तो बहुत अच्छी लगी। क्या बात है, इस फिल्म को कितने स्टार देना चाहेंगे आप? स्टार फाइव आउट ऑफ फाइव। क्या बात है, रणदीप हुड्डा की केमिस्ट्री कैसी लगी एज अ सावरकर रोल प्ले? वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत अच्छा पिकअप किया। ऑडियंस को कुछ मैसेज देना चाहेंगे वीर सावरकर? प्लीज ये फिल्म जाके देखिए, क्योंकि एक तो उनका डायरेक्शन है फर्स्ट एज अ डायरेक्टर, एंड ट्रांसफॉर्मेशन बहुत अच्छा किया है एज एन एक्टर, बिकॉज आई एम ऑल्सो एन एक्टर सो आई नो, ऑल्सो मैसेज बहुत अच्छा देता है और लास्ट का जो रैप है वो बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच। वीर सावरकर मूवी बहुत ही अच्छा लगा मुझे फिलहाल, और अपने मतलब हिस्ट्री को जानना ये सबसे बेहतर एक मौका था, टाइम था कि इस पिक्चर्स के ज़रिए हम अपने वीर सावरकर को जान पाए, उनके अस्तित्व को जान पाए। बाकी तो ऐसे किताब और बाकी स्टोरी तो नहीं जान पाते, बट इस पिक्चर्स के ज़रिए बहुत कुछ जान पाए। क्या बात है, इस फिल्म को अगर बात करें, ओवरऑल फिल्म की बात करें, सपोर्टिंग एक्टर की बात करें, तो कैसी लगी? सभी लोगों का बहुत अच्छा कैरेक्टर्स था, सभी लोगों ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया है, और सबसे बड़ी बात है कि रणदीप सर की जब भी एक पिक्चर्स जो आते, एक लुक का लेके हमेशा चर्चित में रहते हो, इस पिक्चर्स में जो देखा गया है एग्जैक्टली, मतलब बहुत ही सल्यूट है रणदीप सर का। 3 स्टार्स देना चाहूँगा, बट यही कहूँगा कि पब्लिक को आना चाहिए, देखना चाहिए, क्योंकि अपने हिस्ट्री को जानना बहुत ज़रूरी है। अंकिता लोखंडे भी इस फिल्म में, उनकी एक केमिस्ट्री कैसी? उनकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी लगी मैम। अगर मैं आपकी बात करूँ एज अ एक्टर, आपने इस फिल्म में परफॉर्म भी किया है, तो कैसा लगा? मुझे भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छा लगा, और कभी ना कभी मुझे ऐसा लगा था कि मतलब शायद हो सकता है कि मेरे सीन्स कट कर दिए जाएँ, बट ऐसा नहीं हुआ, मेरे सीन्स को रखा गया। इसके लिए मैं रणदीप सर को स्पेशल थैंक्स कहना चाहता हूँ, छोटा झलक निकल मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। द मूवी इज़ वेरी गुड, एक नया पर्सपेक्टिव है लोगों के लिए, ज़रूर देखनी चाहिए। एंड रणदीप हुड्डा बहुत अच्छा काम किया उन्होंने एक्टिंग वाइज भी, और एक स्टोरी एक नया पर्सपेक्टिव देती है। अब बाकी तो सबकी अपनी अपनी रिसर्च है। मेरे लिए दोनों ही आंसू बहुत अच्छे थे, स्टार्टिंग थोड़ा सा स्लो थी, बट धीरे से मूवी ने पिक किया, एंड फिर कैसे वो 2.5-3 घंटे निकले पता नहीं चला। आउट ऑफ ऑडियंस को कुछ मैसेज देना चाहेंगे वीर सावरकर के रिलेटेड? बिल्कुल, ही इज़ अ मिस इंटरप्रिटेड लीडर, बिल्कुल मूवी देखनी चाहिए, एंड वी शुड नो, वी शुड ऑल्सो रीड अबाउट हिम कि हु वॉज ही, एंड हम बिल्कुल आभारी हैं ऐसे लोगों के, बिल्कुल हमारी कंट्री के लिए। थैंक यू। वीर सावरकर फिल्म देख कर आ रहे हैं, कैसे लगी फिल्म? फिल्म बहुत बढ़िया थी मैम। और फिल्म की बात करें तो सबसे ज़्यादा इंगेजमेंट क्या रहा आपके? सबसे ज़्यादा जो उन्होंने फेस किया काला पानी में, दैट वाज द बेस्ट पार्ट, लाइक जो उन्होंने इन डेप्थ में बताया उसमें, दैट वाज छोटा की जब भी फिल्म आई तो उनको लुक तो लेकर काफ़ी ज़्यादा सुर्खियाँ बनी रही है, इस लुक में कैसा लगा? लगे कि रणदीप ही है कि वीर सावरकर? बेसिकली मूवी में उनका लुक ज़्यादा नहीं देखेंगे, अगर आप मूवी अच्छे से देखेंगे तो उनके आँख से ही जवाब मिलता है सब, द शार्पनेस इन हिज एक्टिंग। बहुत टाइम के बाद वीर सावरकर का नाम आया, क्योंकि लोग उन्हें एक अलग नाम से जानते थे, माफी वीर नाम से, तो इस फिल्म में क्लियर हो गया होगा, सब क्लियर हो गया, सब सब पूरा विजन क्लियर हो गया उनका। ओवरऑल इस फिल्म की बात करें तो डायरेक्ट भी किए हैं रणदीप हुड्डा, तो ओवरऑल डायरेक्शन कैसा लगा? डायरेक्शन मतलब मैंने जस्ट अभी भी वही बोला कि लाइक पूरे फिल्म में ऐसा कुछ पार्ट नहीं जो गलत है, इट्स एवरीथिंग इज परफेक्ट, ही इज जस्ट अ परफेक्ट पर्सन एंड परफेक्ट एक्टर फॉर दिस रोल, नो वन कुड एवर रिप्लेस हिम इन दिस रोल। इस फिल्म को कितना स्टार देंगे? आउट ऑफ 5 आई वुड रेट हिम 10। क्या बात है, ऑडियंस को कुछ मैसेज देना चाहें वीर सावरकर? मस्ट वॉच मूवी है, पीपल शुड वॉच इट, एंड उनको पता चलेगा उनसे कि वॉट ऑल दे हैव डन फॉर अस। थैंक यू सो मच। ये मतलब जितना दिखाया है ना उन लोगों ने अभी, सब एकदम सही। रणदीप हुड्डा की बात करें, उनकी एक्टिंग कैसे लगी? एकदम सही, मतलब पूरी मूवी के अंदर जितना दिखाया है ना, सारे एक्शन से लेके जो भी स्टोरी बताई है वो एकदम सही लग रहा है, मतलब लोग जो खुल के बोल नहीं पाते ना, मूवी में बताया हुआ है पूरा। फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ कौन सा ज्यादा एंगेजिंग रहा? फर्स्ट हाफ में जैसे स्ट्रगल दिखाया उनका जेल में जितना टाइम बिताया, सेकंड हाफ में जो पूरा स्प्लिट हुआ ना इंडिया, उसके ऊपर पूरा दिखाया हुआ है। कितने स्टार देना चाहेंगे आप? अगर 5 में से कहूँ तो पूरे 5। और ये रणदीप हुड्डा ने बहुत इसके लिए 25 kg अपना कम किया था, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस फिल्म को? एकदम सही, मतलब है ना, अपना कैरेक्टर के अंदर आने के लिए उन्होंने जो किया है ना, बहुत अच्छा लग रहा है देख के। कितना स्टार देना चाहेंगे इस फिल्म को? फुल 5 स्टार।